चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हितेश पावा ने अपने जन्म दिवस के दिन हरिद्वार में पवित्र गंगा जल में लावारिस शवों के देह संस्कार करने उपरांत अस्थि विसर्जन किया। जानकारी देते हुए ट्रस्ट के संस्थापक हितेश पावा ने बताया कि उन्होंने करीब 35 लावारिस शव जिनका देह संस्कार कालका पिंजौर पंचकुला मनी माजरा में हुआ उनकी अस्थियां विसर्जित की गई। ज्ञात रहे कि ट्रस्ट द्वारा पिंजौर कालका व आसपास के क्षेत्रों से लावारिस मिलने वाले शवों का दाह संस्कार हिमशिखा कॉलोनी में बने शमशान घाट में पूरे रीति रिवाज के साथ गाय के गोबर से बनी लकड़ी से निशुल्क किया जाता है। हितेश पावा ने बताया कि वर्ष 2008 में अपने जन्मदिन के दिन ही उन्होंने प्रेरित होकर यह समाज सेवा का कार्य करने का बीड़ा उठाया था और तब से लेकर आज तक उनके द्वारा करीब 70 लावारिस शवों का देह संस्कार किया जा चुका है और 5000 के करीब अस्थियां विसर्जित की जा चुकी हैं। मेरा अभी होता है, इस दिन मैं यहाँ पे हरिद्वार आता हूँ तो अस्थि विसर्जन करते हैं। 2008 में ये कार्य शुरू करे थे। ये आज हमको 20 या 22 पत्तों की अनजान व्यक्तियों की लवारिस अस्थियाँ लेकर आए हैं, उनको जल प्रहा करें तो विधि विधान से हमने सारे कार्य करके अब हर की पौड़ी पे आए हैं। स्नान करके अब आप वापसी की तरफ जाएंगे। आप अकेले आते हैं कि आपके यहाँ? नहीं, अपने कोई मित्र ले आते हैं, नहीं सज्जन मित्र आते हैं, कुछ सदस्य आ जाते हैं संस्था के। इस दिक्कत से हम काफ़ी लोग हैं जी, कहीं से आया नहीं जुड़े हुए, जो सफाई करते रहते हैं। संस्कार के टाइम में भी आते हैं, अस्थियों के टाइम में भी आ जाए जो मांग रहा होगा करने के लिए। स्नान कर रहे हैं लोग, इससे विस्तार से बताओगे जो आप ये कार्य कर रहे हैं, इसके अलावा क्या क्या कार्य करते हैं आप? आपकी संस्थाओं के क्या कार्य? काफ़ी कार्य कर रही है संस्था समाज में, जैसे शुरू करें शिक्षिका के संस्थान कार्य में, ऊपर की तक से निशा संस्कार ने शुरू और एक आपके चैनल के माध्यम से आज फिर कहूँगा तीसरी बार कहते हैं कोई हमारे कालका बिजोर में कोई बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जिनको बच्चों ने निकाल रखा हो, बच्चे ना सुनते हों, उनको हम अपने पास रखेंगे, उनकी तन मन धन से सेवाएं करेंगे और बहुत ही जल्द हम एक वृद्ध आश्रम खोलने जा रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद, गंगा मैया का आशीर्वाद रहेगा तो एक बहुत जल्द हम वृद्ध आश्रम भी खोलेंगे। ये देखते हैं प्रभु की इच्छा होगी कैसे कहाँ पे खुलेगा, ये हम नहीं कह सकते भी कहाँ पे खुलेंगे।